शोधत शोधत तप विचारिया
सर पर हारिया। आवे जाने मर मर दिन के भागी साध संग प्रापत वड भागी साध संग प्रापत तिन पेटत दुर्मत खोई जिनको भय दिया। आख्या जिससे गुरु नानक तो थपवे उसनू फिर नाम की प्राप्ति हो जाती है, साध संग की प्राप्ति हो जाती है। उच्चारण करो श्री साध संगत जी, जपो श्री। जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया। आख्या जदों जपण वालिया की प्राप्ति हो जाती है फिर जपण वाले सानू नाम नाल जोड़ देंगे। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह एक दिन आप कहन लगे, भाई मरदानिया आ तेनू एक महापुरख का दर्शन कराऊं। जदों गुरु नानक पातशाह उस महापुरख की कुटिया गए, जदों महापुरख ने साधु ने वेख्या गुरु नानक पातशाह आप आए हैं तो खलो गया, नमस्कार की चरणों से कि आप निरंकार आया। आप निरंकार आया बड़ी निरंकार दियां सिफतां होईयां, गुरु दियां गल्लां चलियां। साधु कहन लगा, महाराज एक संसा है मन में, गुरु का दर्शन करके सतगुरां का दीदार करके महापुरखां का दर्शन करके की मिल जाता है। मेरे पातशाह कहन लगे, ज्ञान नाल समझा देंगे या फिर प्रतख विखा देंगे। इस साधु कहन लगा, महाराज प्रतख ही विखा दी। साध संगत जी, मेरे पातशाह ने आख्या, जा फलानी थां ते एक वृक्ष है, उस थले बह के उस निरंकार दियां सिफतां नाल जुड़ नाम जप, तैनूं आपे ही पता लग जाएगा। जदों इह साधु गया उस वृक्ष थले बैठा तां की वेखदा है, इक ताज ते कागी, ताग दा जोड़ा जिन्हें इस
महापुरुख दे दर्शन कीते इन्हां दे रंग सफेद हो गए, हंस बन गए। एक कौतक वेख के साधु चलिया गया। अगले दिन फिर आ गया, महाराज मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलिया। महापुरुख कह बाबा जी गुरु नानक साहब जी कह लगे फिर जावे। जो फिर गया बंदगी विच जुड़िया नित्र खुले, अज ओ हंस जिहड़े काग तो हंस हो गए सन, दिव मूर्त हो गईयां। एक बिबान आ गया, जो बिबान विच बह गईयां दिव मूर्तां, तां साधु ने रोक लिया, आख्या रुक जाओ। आख्या मैं वेखिया जो मैं आया सां तुसी कां सी, तां तो तुहाडे रंग सफेद हो गए, हंस हो गए, हंस तो हम दिव मूर्त हो के विमान विच बह के किथे जा रहे। तो कहन लगे महापुरख हो, जपन वाले दा दीदार करके, गुरुमुखां दा दीदार करके इस सारी अवस्थावां प्राप्त होईयां। महापुरुष वचन करिया करदे सन, इह तां इक है एग्जाम्पल, उदाहरण है। आखिया हुण जदों मनुख इक काग बिरती वाला सतसंग विच आउंदा है, संगत विच बहिंदा है, गुरबाणी सरवण करदा है, उत्ते गुरबाणी का असर होंदा है, उहदा भी मन करदा है हुण मैं भी जपां श्री। बिरती सफेद हो जाती है, मैली बिरती मन मैला साफ हो जाता है, हंसा की बिरती बन जाती है। आख्या ये महापुरुख का दीदार करके ये अवस्थावां प्राप्त हो जाती हैं, साध संग विच आके मनुख की मैली बिरती धोती जाती है। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे। ये जपन वाले अंदर संग करन दा लाभ है। कई जन्म जन्मांतरां दी मैल धोती जांदी है, क्योंकि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। कोई एक जन्म दी होवे ना ते मनुख एक बार संग करके नाम जप के धो लवे। आख्या नहीं जन्म जन्मांतरां दी है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। आख्या फिर काला होया क्या, किवें धोती जावे, ये मन मैला किवें साफ होवे। भाई गुरदास जी बख्शिश करते हैं, काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होए, काहू की संगत मिल जमपुरी आए। आख्या तेरे पे आधारित है, तू अगर जपन वालियां दा संग करेगा, गुरमुखां दा, गुरसिखां दा, साधुआं दा संग करेगा, आख्या तैनू तेरा लोक सुखिया परलोक सुहेला होएगा। जे मनमुखां दा संग करेगा, निंदकां दुष्टां दा, जे गुरु निंदक हन उन्हां दा संग करेगा, आख्या तेरा ये जन्म जाया चले जाएगा। इसलिए भाई संग करना है तो हम जपन वालियां का संग करिए, जिन्हों का संग कीतियां चित आंदा है श्री वाहिगुरु। इसलिए मेरे पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, अज असी इस स्थान से जुड़े बैठे हाँ, महापुरखों की याद में इकवां संत समागम जो मनाया जा रहा है, साडे सत्कार जो महापुरख महंत हरवंश सिंह जी, प्यार वाले महापुरख संत अमृतपाल सिंह जी, सेवा पंथी वाले जो ये सेवा पंथी टिकाणा भाई आया राम जी, ये संपर्दा चली आई है सेवा पंथियों की, जिन्हों के हिस्से दीन दुखियां दर्दों की सेवा प्राप्त हुई है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने भाई कन्हैया नूं कहा कि कन्हैया लै भाई जिथे दुश्मनों पानी पिला रहा है उत्थे फटड़ होया नू मलम भी ला। सो यह संपर्दा चल रही है उन गरीबां लई, लोड़वंदां लई जिन्हां नू लोड़ है। सो आओ बाणी नाल जुड़िए,
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੁੜੀਏ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਜਿਨਕੋ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਇਆ। ਜਿਨਕੋ ਭਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਨ ਜਲ ਜਪ ਲਿਆ। ਹੋ ਜਿਨਕੋ ਤਿਨ ਸੰਗ